हेलो डियर व्यूवर्स, कैसे हैं जी सब। सभी का स्वागत है अपने चैनल स्पाइसी रिएक्शन पर। और आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो हादिया बताएगी। हादिया क्या देख रहे हैं आज हम? चतुर की स्पीच। इसकी आ रही थी जी रिक्वेस्ट, और काफी मुझे मेल्स आ रही थी, और मेल के साथ साथ जो इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे साथ हमारे दोस्त जो है वो जुड़े हुए हैं इंडिया से, दूसरे देशों से, तो वो कह रहे थे कि सजाद भाई आप कभी मूवी का भी सीन देखो ना कोई साथ। तो हमने कहा कि भाई कौन सा देखें, आप ही बताओ। तो उन्होंने कहा कि चतुर की स्पीच सुनो। हमने कहा भाई चतुर की स्पीच सुने? उन्होंने कहा हाँ जी, अब चतुर की स्पीच सुनो, आपको मजा आएगा। याद नहीं आ रहा था कौन सी स्पीच। हाँ, अभी हमने सर्च किया तो हमें कुछ याद आ गया कि हाँ यार ये वो चतुर की स्पीच है। और वाकई तो चले, काफी टाइम हो गया इस मूवी को देखे हुए, और थ्री इडियट्स मूवी वन ऑफ दी मेरी फेवरेट मूवी है। मैं आई थिंक सभी की फेवरेट मूवी होगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी रिलेटेड, कॉलेज रिलेटेड, स्कूल रिलेटेड जो मूवीज होती हैं वो मुझे वैसे ही बहुत पसंद आती हैं, और मजा आता है। और आमिर खान की कमाल एक्टिंग इसमें, बाकी सभी की एक्टिंग बहुत शानदार थी। तो चलें जी, चतुर की जो स्पीच थी वो इसमें एक खास अहमियत की हामल है, और उसके पीछे एक लेसन है, बहुत बड़ा लेसन है, क्योंकि हादिया के एग्जाम चल रहे हैं। तो हादिया को बाद में बताएंगे हम कि भाई इसके पीछे क्या लेसन होता है। तो पहले वीडियो देख लेते हैं, क्योंकि हादिया भी चतुर वाले काम करती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले आदरणीय सभापति महोदय, अतिथि विशेष शिक्षण मंत्री श्री आर डी त्रिपति जी, माननीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे सभापति। अच्छा, पहले मैं आप लोगों को बता दूं, याद करवा दूं, अगर किसी ने हादिया या किसी ने मूवी ये नहीं देखी, तो इसमें ये होता है कि ये जो चतुर होता है ना, ये रट्टा जैसे होता है ना, हादिया रट्टा लगाने का ऐसा कारीगर होता है ना, ऐसा रट्टा लगाता है। और ये मोस्टली इंग्लिश इसकी बहुत अच्छी होती है, और हिंदी जो है ना इसमें बहुत वीक होता है। तो ना ये कहता है कि जो स्पीच मैंने करनी है ना वो प्योर हिंदी में हो, ताकि मैं कुछ डिफरेंट करूं, डिफरेंट हो। तो ये ना कहता मैं रट्टा ऐसा लगा लूंगा कि आप याद करोगे। अच्छा, आमिर खान क्या करता है, आमिर खान का जो एक दोस्त होता है ना, वो इससे इंस्पायर होता है कि आप लोग नहीं पढ़ते हो, तो वो पढ़ता है, मैं उसके साथ चला जाता हूँ। बिल्कुल। तो वो इसके साथ इसके रूम शेयर कर लेता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आमिर खान और वो दूसरा दोस्त मिलके ना इसको, मतलब स्पीच जो है ना, स्पीच में कुछ वर्ड जो होते हैं वो वर्ड, मतलब आपको पता होगा कंप्यूटर का एक्सेल में उसको रिप्लेस कर देते हैं, कुछ वर्ड वो सारे रिप्लेस हो जाते हैं, दो तीन वर्ड। और उसके बाद जब वो स्पीच देने आता है, तो फिर आगे का माहौल आप खुद देखिए कि रट्टा जो है वो कितना जरूरी होता है तालीम में, एजुकेशन में। तो वो आगे आपको चतुर की स्पीच बताएगी। आज अगर आईसी आसमान की बुलंदियों को छू रहा है, तो उसका श्रेय सिर्फ एक इंसान को जाता है, श्री विरु सहस्त्र बुद्धे। गिव अ मैन सर, फूल बोले हैं पर शब्द हमारे हैं। हाँ, इज अ ग्रेट गाय। ये होता दोस्त, पिछले 32 साल से इन्होंने निरंतर इस कॉलेज में बलात्कार पे बलात्कार उसका मतलब है चमत्कार पे चमत्कार किया है। उम्मीद है आगे भी करते रहेंगे। हमें तो आश्चर्य होता है कि एक इंसान अपने जीवन काल में इतनी बलात्कार कैसे कर सकता है। इन्होंने कड़ी तपस्या से आपने आपको इस काबिल बुनाया है। अच्छा, साथ मंत्री है, अभी मंत्री कह रहा है रुको। सही उपयोग घंटे का पूर्ण इस्तेमाल कोई इनसे सीखे। आज हम सब छात्र यहाँ है, कल देश विदेश फैल जाए। वादा है अब से जिस देश में होंगे वहां बलात्कार करेंगे। आईसीई का नाम रोशन करेंगे। दिखा देंगे सबको जो बलात्कार करने की क्षमता यहाँ के छात्रों में है, वो संसार के किसी छात्र में नहीं। अभी छात्र नो अदर
अभी अभी मंत्री की बारी आनी है। आदरणीय मंत्री जी, आपने इस संस्थान को वो चीज दी जिसके हमें सख्त जरूरत थी। धन धन स्थल स्तन होता सभी के पास है, सब छुपा के रखते हैं, देता कोई नहीं। है ये लोडा। आपने अपना स्तन इस बलात्कारी पुरुष के हाथ में दिया है। और देखिए ये कैसा इसका उपयोग करता है। शास्त्र बताए, इतनी बुद्धि नहीं हमारे पास। ओए, अच्छा वो कह रहा था बोल बोल रहा है। लवली स्वर्ण अवसर पर एक श्लोक याद आ रहे। सुन सुन, अब अपने पादने की ताकत संस्कृत में समझाएगा। उत्तमं दद्ददात पाद मध्यम पादम तुचुक तुचुक कनिष्ठम थुड़थुड़ी पादम सुरसुरी प्राण घटक। अच्छा इसी सीन की वजह से इसको गुस्सा आ जाता है और उसके बाद ये होता है कि ये काफ़ी गुस्से में आ जाता है और आमिर खान को चैलेंज, सभी को चैलेंज दे देता है और एक डेट लिख देता है जहाँ से मूवी का स्टार्ट होता है, मूवी शुरू होती है। बिल्कुल एक डेट लिख के चला जाता है कि इस डेट को देखना, मैं कहाँ पर होऊंगा और तुम्हारा जो मतलब उसका नाम भी होता है चंचड़ पता नहीं ऐसे करके कुछ आमिर खान का, रणछोड़ दास चंचड़ के रणछोड़ वो कहाँ पे होगा। अच्छा उसका वैसे तो कुंस वो होता है ना नाम कुंसुक वांगड़ू, मतलब वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट होता है और ऐसे ही बन जाता है। और ये चीज के उसके बाद अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी स्टोरी है, थ्रो बॉडी बहुत ही अपने मतलब बेस्ट मूवी है, सभी की बेस्ट मूवी है बिल्कुल। और आप जितनी दफा इस मूवी को देख लो आप बोर नहीं हो सकते, आपको मजा आएगा। और इसमें लेसन ये है होता है कि भाई रट्टे से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। आप मतलब बहुत अच्छे अच्छे इसमें चीजें हैं कि जैसे जब वो बुक्स के नाम बताता है मेरी बुक्स रह गई हैं, बिल्कुल कहता है तो उसका टीचर है कि सीधे सीधे नहीं बोल सकते, मतलब वो कह रहा था अभी सीधा सीधा बोला था आपको समझ नहीं आ रहा था। मशीन की डेफिनेशन, मशीन की डेफिनेशन। तो उसके बाद वो अपनी बुक्स के वो अपने दोस्तों के नाम लिखते हैं, वो कहते हैं कि एक तो सारी लफ्ज़ ढूंढते हैं, मेरे दोस्त के नाम तीन ही जो देखते हैं, कहते हैं दो दोस्तों के नाम। हाँ चतुर, और सब रेस में लग गए कि मैं पहले ढूंढूंगा मैं पहले ढूंढूंगा, लेकिन किसी ने फोकस नहीं किया उसके ऊपर कि ये वर्ल्ड है, कुछ नया सीखने को मिला है। तो उसका क्या होता नाम इसका, बैटरी और जनरेटर क्या नाम हो रखा होता है इसका जो प्रोफेसर होता है, इन्होंने जनरेटर होता है इसका, हाँ वायरस, हाँ वायरस वायरस होता है, वायरस होता है। यार काफी अच्छी याद है ना, मूवी मेरी फेवरेट है और याददाश्त इसकी कितनी अच्छी है। वैसे मैंने काफी टाइम पहले देखी थी ये, काफी टाइम हो गया, कम से कम 2-3 साल हो गए हैं उसके बाद इसका कोई सीन नहीं देखा अभी। तो बहुत ही अच्छी मूवी है, जबरदस्त। तो चलें जी, कैसा लगा आपको कमेंट बिलो, और अभी आते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में, रखिए बहुत सारा ख्याल।